नमस्ते। क्या सेठ, कितनी भी महंगाई हो हमारी दुकान हमेशा भरी ही रहती है। आइए बैठिए ना, पैकेट आज ही भिजवा दिया था, मिला नहीं क्या? तुम्हारा हफ्ता तो पहुंच ही जाता है तो सोचा मिल भी लूं। ये क्या सर, आज के पेपर में आपका 10% डिस्काउंट का एड छपा हुआ था, पर यहाँ तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है सर। डिस्काउंट स्कीम तो खत्म हो गई। आज आपके लिए 50% डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट? मैं मालिक हूँ इसलिए आपको 50% डिस्काउंट देता हूँ। जो चाहिए वो ले सकती हो दोनों। चलो चले। किससे मिलना है? विकास जी का घर यही है ना? सुनिए जी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। कौन है? आप लोग कौन हो? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। क्या चाहिए आपको? तुम्हारी 4 लॉरियां, 3 गाड़ियां और 2 ऑटो चलते हैं ना? हाँ चलते हैं, मगर आप क्यों पूछ रहे हो? तो 6 महीने से उनकी इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरी? तुम लोग हो कौन ये से पूछने वाले? मैं इंस्टॉलमेंट भरूं या ना भरूं तुमसे मतलब? हेलो, हाँ एक मिनट बात करो। हाँ सेठ, मैं तो हर महीने इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरता हूँ। अरे तू भरता हो या ना भरता हो, जब ये लोग आते हैं तो पूरी वसूली करके जाते हैं, जो बोलते करो। अपने भाई बच्चे माफिक है, एक बार जिद पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब जिद है तो है। Hey, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बैठ जा विकास, शांत रहे। भाई की एक अच्छी आदत भी है, एक बार किसी चीज को छू लिया तो दोबारा उसे हाथ नहीं लगाते। मैं तुम सबके खिलाफ। क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, मत मारो, छोड़ो। मुझे लगा था तू शांति से मान जाएगा, लेकिन तुझे टपकाना ही पड़ेगा। कॉलेज के बाद ऑटो, ऑटो के बाद कॉलेज। यार लाइफ भी तो एंजॉय करो। एंजॉय मतलब? एंजॉय मतलब प्यार, इश्क। अरे यार ये सारी चीजें मैं बहुत कर चुका हूँ। अच्छा, तुमने बताया नहीं कभी कौन है वो लड़की, दिखती कैसी है? तुमने कभी परी देखी है? एंजल? एंजल नहीं तो? मैंने देखी है, वो एंजल जैसी ही लगती है। ऑटो क्यों रोक दी? मैं जिस एंजल की बात कर रहा था लगता है वो प्रॉब्लम में है, वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? कहाँ है वो? देखो कैसी लगी। तुम्हारी चॉइस तो काफी अच्छी है रवि। हाँ हाँ, अब मुझे एक अर्जेंट काम पूरा करना है, तुम एक दूसरा ऑटो लो और घर चली जाओ। ये ऑटो मेरे डैड की है, समझे तुम? हाँ प्लीज, मुझे ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। आज तुम खुद चली जाओ ताकि मैं अपनी एंजल की मदद कर सकूं। प्लीज आज मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है ठीक है। दादी। अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, आप पुलिस स्टेशन में, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, मैं तो मदद कर रहा था। हम लोग यहाँ पे एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे। दादी ये क्या? दादी मैंने तो वो कंगन आपको परसों ही लौटा दिया था। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, इसका स्कूटर चोरी हो गया, हम उसकी कंप्लेंट लिखाने आए थे। अच्छा ये बात है, चोरों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्कूटी चुराने की, और ये उस वक्त क्या कर रही थी? ज्यादा टेंशन मत लो, हमने कंप्लेंट लिखवा दिया है, ये लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। तू हमें ऑटो में घर छोड़ सकता है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आया ऑटो लेकर के। दादी आप भी ना, भिखारी से भीख मांग रहे हैं। अरे आ ना। बाप रे ये क्या, इतना ट्रैफिक जाम है। दादी मुझे बस 1 मिनट दो, मैं अभी आया। होल्ड ऑन, चलो पहले आप निकल जाओ, निकलो। अब तुम जाओ, जल्दी निकलो। हॉर्न बंद करो, हॉर्न बजाने से क्या रास्ता खाली हो जाएगा, सब्र करो, रुको, स्टॉप, निकलो, चलो जाओ। क्या बात है, क्या कर रहे? डेट पर जा रहा है, जल्दी हाँ। निकल जाओ नहीं तो पिक्चर छूट जाएगी। निकल। ये तो भरतनाट्यम वाला पुलिसमैन हो गया है। ता धिन धिन ता धिन किट धिन ता। ए यहाँ क्या मेला लगा है, चल चल, चल जा।
चल। बोल बे। हाँ भाई, ले आया उसे। हाँ तो मैं भी आ गया। हाँ निकलो निकलो, चलो चलो अपनी गाड़ी आगे लो। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? वो सामने का ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी देखता हूँ साले को। क्या हो भाई साहब आपकी गाड़ी को? अरे जाने दो ना भाई, ये सिग्नल छूट गया तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हाँ आप जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो, निकलो 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 जल्दी। इसमें कुछ तो बात है, ये लड़का एकदम A1 है। निकलो निकलो। कैसा लगा? तूने 10 मिनट में सारा ट्रैफिक क्लियर कर दिया। एक बार पढ़ाई करके पुलिस वाला बन जाऊं फिर शहर भी इसी तरह साफ कर दूंगा। रुक जाओ। कौन था साला वो? कौन भाई? वो लड़का जिसने मेरे चेहरे के सामने हाथ रखा था। गाड़ी घुमा घुमा, गाड़ी गाड़ी घुमा। अरे जाने दो ना भाई, अब उसे कैसे ढूंढेंगे हम? अबे उसने सर पर पीला कपड़ा बांधा हुआ था। किधर गया वो? हाँ वो लड़का कहाँ है जिसने सिर पर पीला कपड़ा बांधा हुआ था? बोलना। कट। साले ने मेरे चेहरे पर हाथ कैसे रखा? छोड़ूंगा नहीं उसको। साहब वापस आ गया। ए, पता वो लड़का कहाँ गया? पता नहीं भाई, मैं तो आम बेच रहा था, वो ट्रैफिक हटा के चला गया। ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लेना। अरे गली में ढूंढो, छोड़ना नहीं उसको। साला जानता नहीं मुझे। ये अचानक जाने का क्या मतलब है? तुमने फोन क्यों नहीं किया? उमा क्या बात है? क्या बात है बताओ मुझे। क्या बताएगी वो? इस पागल को ये नहीं पता कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उमा मुझे बताओ क्या बात है? क्या बात है उमा? डोनेशन सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, डोनेशन सर प्लीज, गरीब बच्चों के लिए है प्लीज। ओके ओके। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ सर। ओह डोनेशन सर। चलती है क्या? तुम गाड़ियों के बारे में पूछ रहे थे ना? छिल्ला के आदमी सारी गाड़ियां उठा के ले गए और अब कहते हैं गाड़ियां चाहिए तो उमा को भेज दो। बोलो भेज दो इसे। आपने पुलिस को बताया? अभी अभी जो यहाँ से गया वो पुलिस वाला ही था। कंप्लेन लिखने के बजाय मुझे चुप रहने को कह के गया। वो चाहता है कि मैं छिल्ला की बात मान लूं और अपनी बेटी को वहाँ भेज दूं। मुझे दलाल समझता है वो। इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। 40 साल से अच्छी तरह जिंदगी काट रहा था और अब सब कुछ बेच दिया। इसके लिए यही अच्छा होगा कि पढ़ाई छोड़ के गाँव चली जाए। एक बिन माँ की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हें क्या पता? अब तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है मेरा। यहाँ इतने जुल्म हो रहे हैं फिर भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। गाना जाना उसे। आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने। ये क्या कर रहे हो? अगर आज आपका बेटा होता तो वो भी यही करता। तुम्हारा ऑटो चाहिए। क्यों? बस चाहिए। हाँ
लड़की के बाप ने लड़की को एक ऑटो ड्राइवर के साथ भेजा है। उसे चाबियां दे और लड़की को अंदर ले जा। एक बार तेरा किसी लड़की पे दिल आ जाए तो फिर उसे नहीं छोड़ता ना। और अगर लड़की नहीं आती तो उनकी गाड़ियां छीन लेता है ना। तूने उसके बाप को तो कह दिया, लेकिन उसके भाई से पूछा क्या? हे नारायण, ताला खोल। सर,
पकड़ो उसे, उसे जाने मत देना, वो भागने की कोशिश कर रहा है, पकड़ो उसे, जाने मत देना, शूट करो। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। ए, चाबी लेके भाग रहा है, कोई इसे शूट करो, वो जंगल में भाग जाए उससे पहले उसे शूट करो।